नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर वाराणसी से है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पर्यटन संस्कृति तथा जनपद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत निर्माणाधीन शौचालयों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान दिया जाए तथा पुराने बने शौचालयों के प्रयोग को भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन शौचालयों जिनकी पहली किस्त जारी हो गई हो, उनका स्थल निरीक्षण जरूर किया जाए। जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद में शिलान्यास तथा लोकार्पित होने वाली योजनाओं में माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति जरूर सुनिश्चित हो, इसका ध्यान दिया जाए। पंचायत कार्यालयों में आमजनों को दी जा रही सेवाओं से के शुल्क एक पटल पर अंकित किया जाए तथा सेवाओं को निर्धारित समय विधि में देना सुनिश्चित हो। जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि ADSDM के नेतृत्व में अभियान चलाकर सभी तालाबों से अवैध कब्जों को हटाया जाए तथा लेखपाल तथा कानूनगो से सर्टिफिकेट जरूर लिया जाए कि उनके क्षेत्र में तालाबों पर अवैध अतिक्रमण नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जरूरतमंद को आवास जरूर दिया जाए तथा होने वाले सर्वे में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी जरूर सुनिश्चित हो तथा पात्रता की शर्तों से जनप्रतिनिधियों को जरूर अवगत कराया जाए। जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर निरीक्षण करते हुए खाने को स्वतः खाना भी सुनिश्चित करें। मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा CMO वाराणसी को जनपद में संचालित सभी सरकारी अस्पतालों में आमजन के सहायता हेतु हेल्प डेस्क जरूर संचालित करें तथा सभी केंद्रों पर जन औषधि केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी को संचारी रोग अभियान की समीक्षा करते हुए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग, सफाई, छिड़काव आदि का स्थलीय निरीक्षण करते हुए प्रभावित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी को नगर निगम तथा लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक करते हुए जनपद में निर्माणाधीन सभी सड़कों पैच वर्क स्ट्रेंथनिंग आदि की अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित करने को निर्देशित किया। सभी संबंधित अधिकारी राजस्व विवादों को प्राथमिकता पर लेकर उनके समाधान सुनिश्चित करें तथा सभी अवैध अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराना सुनिश्चित करें। नगर आयुक्त को जलकल तथा सीवर की समस्याओं पर तत्कालीन निवारण की व्यवस्था करते हुए उनके दीर्घकालिक निवारण पर पौराणिक शहर की महिमा के अनुरूप प्रोजेक्ट बनाना सुनिश्चित करें। छुट्टा पशु सड़कों पर नहीं घूमने पाए, सभी छुट्टा पशुओं को गो आश्रम स्थलों में पहुंचाना सुनिश्चित करें। अधिकारी समय समय पर जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक करते उनके सुझावों को जरूर लें। अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट SChinnappa द्वारा PPT के माध्यम से जनपद की कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभारी मंत्री के समक्ष रखी गई। प्रभारी मंत्री द्वारा पुलिस व्यवस्था सकुशल संपन्न कराने में पुलिस कमिश्नर समेत पूरी वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तारीफ की गई। ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष कार्ययोजना बनाने को निर्देशित किया गया। बैठक के अंत में प्रभारी मंत्री द्वारा जनपद में जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में कराए जा रहे कार्यों पर प्रसन्नता जाहिर की गई। बैठक की शुरुआत में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल तथा जिलाधिकारी SRajalingam द्वारा पुष्पगुच्छ देकर प्रभारी मंत्री का स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल द्वारा PPT के माध्यम से प्रभारी मंत्री के समक्ष स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पेयजल के तहत किए जा रहे कार्यों, जनपद संचालित विभिन्न योजनाओं जिसमें गोवर्धन बायोगैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत, लखपति दीदी योजना, कैटरिंग दीदी, काशी प्रेरणा कैफे जिससे महिलाओं को रोजगार मिला है तथा उनकी स्थिति मजबूत हुई है, अमृत सरोवर 120 तालाबों को जल कुंभी से मुक्त किया गया है, 200 लोकल तथा समूहों के उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफार्म फ्लिपकार्ट अमेजन पर उपलब्धता, आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित पोषण वाटिका जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में उचित सुधार देखने को मिला है, ऑपरेशन कायाकल्प विद्यालयों के सुधार हेतु बुलावा अभियान, बच्चों के विद्यालयों में उपस्थित पढ़ने को पूरी जानकारी रखी गई जिस पर प्रभारी मंत्री द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। प्रभारी मंत्री द्वारा वृक्षारोपण, सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कौशल विकास योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM सूर्यघर योजना, राजस्व के अंतर्गत घरौनी विवरण, IGRS
की भी समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में स्टाम्प पंजीयन मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, महापौर अशोक तिवारी, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सिंह, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।